जी अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, ये छोटा सा ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ जिसमें वही बातें जो हमने कल की मीटिंग में डिस्कस की थी कुछ उसको क्लियरली डिफाइन में करना चाह रहा था, क्योंकि मीटिंग के दौरान जो है डिस्टरबेंस काफ़ी थी और एक तो नेट का बहुत ज़्यादा इशू था और प्लस ये कि क्योंकि जो हम चाह रहे थे सीक्वेंस में वन बाय वन वो उस तरीके से जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर जो क्वेश्चंस आए बीच में से कई ज़्यादा तो वो हो नहीं पाए, तो उसमें चूंकि हर किस्म के लोग थे, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज ज़्यादा थी कुछ की बिल्कुल कम थी, तो जिनको आता था पहले से तो वो आगे आगे सवाल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो जो उनको बिल्कुल शुरू से समझाने वाली बात थी वो फिर पीछे रह गए। तो मैं इस ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ ताकि इसमें वन बाय वन जो है हम 5-5 7-7 मिनट में कुछ इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये चीज़ सीखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप किस तरीके से अपनी क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए, तो इस वजह से ये हम स्टार्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो एक कोलेब्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी मीटिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं और उनके साथ डेटा जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। उसको लोड करने के आपके कंप्यूटर पे तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपसे कल भी बताया था, एक तरीका ये है कि आप ब्राउजर पे जाइए और अपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर जाके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए और वहां से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लीजिए, कुछ लोगों ने डाउनलोड की हुई है, और वहां से जो है आप यूजर आईडी और पासवर्ड अगर जरूरत हो तो डालिए और उसके बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। तीसरा जो है वो फोन ऐप है, स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, वो सिर्फ आप जरूरत के तहत जब आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल ना हो तो आप फिर वहां पर यूज कीजिएगा। तो अभी हम ब्राउजर के थ्रू जो आसान सबसे तरीका है वो हम यूज कर रहे हैं। वेबसाइट है teams.microsoft.com, यहां पर जाके आपने एंटर करना है। ये आपसे पूछेगा अकाउंट के बारे में, अगर आपका अकाउंट यहाँ पर पहले से यूज नहीं किया हो, ये पहले से अकाउंट दे रहा है, ये चार अकाउंट हम यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ। ये मेरा अपना डोमेन है fdsgm और .onmicrosoft.com, ये हमने FFC से पहले ही खुद ही डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए किया था, और ये जो है हमारे अकाउंट हैं काशिफ इब्राहिम @ffceducation.onmicrosoft.com, ये हसन का अकाउंट है और ये जो है फरद का अकाउंट है fgse@ffceducation.onmicrosoft.com। तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव था, अदरवाइज आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप अपना आईडी डालेंगे, वो आप जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो डालिएगा और उसके बाद साइन इन कीजिएगा। ये आपसे पूछ रहा है स्टे साइंड इन, अगर आप स्टे साइंड इन पे यस कर देंगे तो उस वक्त जो है फिर जब भी आप teams.microsoft.com पे जाएंगे तो आप हमेशा लॉग इन ही होंगे, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि मुख्तलिफ लोग यूज कर रहे होते हैं वो अपना आईडी डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। अच्छा देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी देख लीजिए, बाजू का ये बैड रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब लॉग इन हो चुके हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव करके दोबारा teams.microsoft.com पे मैं एंटर करूंगा, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये मेरे अकाउंट में मुझे ले गया है, यानी कि मैं लॉग इन हो चुका था लेकिन इसके बावजूद भी कोई एरर है जिसकी वजह से ये बैड रिक्वेस्ट जो है वो शो कर रहा है, या तो मेरे कंप्यूटर ब्राउजर पे आ रही है या हो सकता है आपको भी ये एक्सपीरियंस हो। अगर ये एक्सपीरियंस हो तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने इसको रिमूव करके दोबारा teams.microsoft.com पे एंटर करना है, वो आपसे आईडी और पासवर्ड नहीं पूछेगा और वो डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे अपने अकाउंट एरिया में। अब देखिए ये मेरा अकाउंट एरिया है, जो टीम्स का मेरा अकाउंट है वो है, चूंकि मैं और एजाज साहब ये टीम्स बना रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स हैं, एक एंड यूजर है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स होंगे, एक इसमें पावर यूजर आ जाते हैं और इसके अलावा इससे ऊपर भी यूजर हैं जो स्वान सरदार इस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ राइट्स हम लोगों को देकर उन्होंने पावर यूजर बना दिया ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। तो अभी तक हुआ क्या है कि जो 400 स्टूडेंट के करीब हैं
उनके यूजर आईडी और पासवर्ड वो हमने यहाँ से सजेस्ट करके लिस्ट के साथ वो हमने भेजे थे 400 करीब। उस्मान सफदर ने वो जो एक्सेल की शीट है उसके जरिए वो डायरेक्ट उन्होंने उन सब के जो है लॉगिन बना दिए, और लॉगिन बना के और पासवर्ड बना के वो लिस्ट हमें वापस भेज दी। अब उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हमारे स्कूल के थे वो टीम्स के अंदर जो है वो उनके अकाउंट बन गए। अब वो इसी तरीके से जिस तरह से एक बड़े हॉल के अंदर, बड़ा हॉल जो है वो आप टीम्स का समझ लीजिए, उसमें तमाम स्टूडेंट्स को डाल दिया गया। उसके बाद फिर मैंने और एजाज साहब ने ये किया कि हमने उन उस हॉल में जो स्टूडेंट्स थे उनको अलग अलग किया वन बाय वन, और उनकी जो है फिर हमने टीम बनाई सब्जेक्ट वाइज। तो अगर हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट लगा लें, हर क्लास के 6 सब्जेक्ट, तो आप अंदाजा कर लें कि हर 6 सब्जेक्ट्स और उसके बाद जितनी क्लासेस हैं हर क्लास और हर सब्जेक्ट में जो है वो फिर हमने स्टूडेंट्स को डाला। जिस तरह से FC2 है, ये क्लास का नाम है FGSC C2 कंप्यूटर FFC GM, इसी तरह से ये मैथ्स की क्लास भी होगी यहाँ पर C2 की, कहीं केमिस्ट्री क्लास भी होगी। ये देखिए C2 की केमिस्ट्री क्लास भी है, C2 की जो है वो मैथ्स की क्लास भी है, इसी तरीके से C2 फिजिक्स भी है, और भी सारी क्लासेस होंगी। उन सब में जो है हमने इस तरह से 4 की उर्दू है, 5 की इंग्लिश है, इन सब में जो है स्टूडेंट्स को उनके नाम डालने से 5 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में भी आएंगे, वो उर्दू में भी आएंगे, वो सोशल स्टडीज में भी आएंगे, एंड सो ऑन। तो ये तमाम जो है सब्जेक्ट वाइज और हर एक के लिए हमने बना दिया। हमने क्या किया है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था हमने उस क्लास में डाल दिया। जैसे FGSC 3 मैथ्स है, तो मैथ्स जो भी टीचर पढ़ा रहा है, टीचर लैला अगर पढ़ा रही है तो इनका नाम जो है वो इसमें मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सोशल स्टडीज जो है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो तमाम स्टूडेंट क्लास 3 के इसमें मौजूद होंगे, और जो सोशल स्टडीज का टीचर है उनका नाम भी इसमें मौजूद होगा। तो इस तरीके से जो है ये मीटिंग जो है वो चल रही है। तो आपने करना क्या है कि आपके जब आप लॉग इन करेंगे तो आपकी जो अपनी क्लास होगी, अपनी क्लासेस होंगी, अगर आप फर्स्ट करें C2 पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, C1 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और C3 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो खाली ये 3 क्लासेस के बटन इस तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे। आप उन क्लासेस पे जाएंगे, ठीक है, और वहां पर जाके आपने जो है वो अपनी मीटिंग जो है वो क्रिएट करनी है। और मीटिंग किस तरह से क्रिएट करेंगे कि मैं अभी जो हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑनलाइन, ये भी हमने 2 क्लासेस बना दी है एक तरह से, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर हम कल मीटिंग कर रहे थे। तो आपने अपनी क्लास में जाना है, ठीक है, वो एरिया इसी तरीके से होगा, और आपने जाके वहां पर अपने टाइम पर, लेट सपोज अगर सुबह को 9 बजे आपकी क्लास है C2 की, तो आपने C2 की टीम पे जाना है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसका नाम है ये इस टीम का ग्रुप 2। आपने अपनी टीम पे जाना है जो C2 की क्लास होगी, वहां जाना है, और उसके बाद आपने उस पर ये जो मीट नाउ है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से, आप अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखना चाहें, फर्ज करें मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ, कंप्यूटर साइंस क्लास, और उसके बाद जो है मैं इसको मीट नाउ करता हूँ, ये क्लास स्टार्ट हो गई। अब अगर फर्ज करिए ये C2 की क्लास है, लेट सपोज, तो जो C2 के स्टूडेंट्स हैं वो भी जब लॉग इन करेंगे तो उनको क्या नजर आ रहा होगा, वो उनको अपनी क्लासेस नजर आ रहेंगी, वो अपने C2 की क्लास में जाएंगे, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस की क्लास में, और वहां पर जाके उनको ज्वाइन का बटन जो है वो नजर आ रहा होगा। किस तरीके से नजर आएगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, को मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, और मैं जो स्टूडेंट है उसकी स्क्रीन जो है वो मैं आपको शेयर करके बताता हूँ। ठीक है, देखें ये हसन काशिफ जो है ये, इनको मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप 2 में भी डाला हुआ है, ये नजर आ रही है, ये उनकी स्क्रीन है इस वक्त। और इसके अलावा जो C2 कंप्यूटर है, C2 इंग्लिश है, C2 पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे बटन यहाँ बने हुए,
इन्होंने अपनी क्लास के टाइम पे जाना है और वहां पर जाके क्लिक करना है और वहां पर जाके मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। इस वक्त जो हमने मीटिंग स्टार्ट की, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने अकाउंट में जो मीटिंग स्टार्ट की थी वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप 2 में स्टार्ट की थी। ये इसमें मैंने हसन को इसलिए शामिल किया एज ए स्टूडेंट ताकि प्रैक्टिस के लिए जो है वो जरा बताया जा सके। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने हसन का कंप्यूटर जो है ना साइड में रख के खोला हुआ है, वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए कि इसमें जो है हसन के कंप्यूटर पे वहां पर जब वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप 2 के की टीम में गए तो वहां पर उनको ज्वाइन का जो है बटन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसमें लिखा हुआ भी है कि 1:33:34 हो चुके हैं इस मीटिंग को। तो वो अगर यहाँ से फर्ज करें वो स्टूडेंट जो है, जो भी स्टूडेंट हो गया आपके, वो यहाँ पर उनको बटन नजर आ रहा होगा आपकी मीटिंग का, तो वो अगर आपने स्टार्ट कर दिए तो आपको सिर्फ ज्वाइन में क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएंगे। कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हसन के जो कंप्यूटर है उस पर ये कनेक्ट हो गया। मैं एक वीडियो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसी वीडियो आ रही है, दोनों लैपटॉप्स मेरे पास ही रखे हैं। तो हसन का जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो उस पर जो है ये इस तरीके से ये तस्वीर ये नजर आ रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ से शेयरिंग ऑफ करता हूँ। अब मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ये एज ए टीचर जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, ये देखिए मेरी स्क्रीन जो है ना ये इस तरीके से आ रही है।